हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। आई एम मिसेस रीना दलाल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट टिस्को। टिस्को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील कंपनी, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कब सेटअप की गई, कब इसके अंदर प्रोडक्शन शुरू हुआ और इसके पीछे क्या प्रोसेस रहा। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो टिस्को है, हम बात करते हैं 1904 की। इस टाइम पे दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ट, ये दो पर्सन, ये जो चार्ल्स वेल्ट कौन थे, ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। ओके, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जो रॉक के बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उनको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, और ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो 1904 में जो दोराबजी टाटा है, वो इंडिया के अंदर एक स्टील प्लांट लगाना चाहते थे। अब स्टील प्लांट के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए, इसलिए दोराबजी टाटा ने क्या किया, जो चार्ल्स वेल्ट थे, जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, इनकी हेल्प ली और इन्होंने हमारे इंडिया के अंदर जो छत्तीसगढ़ हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट है, यहाँ के जो भी फॉरेस्ट वगैरह थे, ओके, या इस एरिया के अंदर इन्होंने विजिट करना शुरू किया। और ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, आयरन ओर को ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे। दोनों ने मिलके कई महीने तक ये ऐसे ही सर्च करते रहे, बट इनको क्या है, आयरन ओर नहीं मिला। क्योंकि आयरन ओर क्या है, स्टील कंपनी के अंदर यूज़ किया जाना था, इसलिए ये इसको ढूंढ रहे थे। बट जब कई महीने इनको ढूंढते हुए, तो एक दिन क्या होता है, ये पूरा दिन काफ़ी जैसे टाइम घूमने के बाद एक स्मॉल विलेज के पास आ जाते हैं। ओके, और जब जैसे ये स्मॉल विलेज के पास आए, तो इन्होंने क्या देखा वहाँ पर कि कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ मैन और वुमेन का ग्रुप है जो बास्केट लोड लेके जा रहे हैं। ओके, एक बास्केट के अंदर जैसे आयरन ओर रखे हुए हैं और सिर पे रख के उसको लेके जा रहे हैं। और ये पर्सन कौन थे, अगारिया, ये कम्युनिटी का नेम है, ये स्मेल्टर्स की कम्युनिटी है। ओके, ये जो पर्सन है आयरन ओर को क्या है, वन प्लेस टू अंदर कैरी कर रहे थे। तो जो ये दोराबजी टाटा और जो चार्ल्स वेल्ट थे, उन्होंने इनसे पूछा कि आप ये कहाँ से लेके आए। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी दूरी पर एक हिल थी, इन्होंने उसकी तरफ पॉइंट किया कि हम वहाँ से ये चीज़ें लेके आए हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो भी ये दोराबजी टाटा और चार्ल्स वेल्ट थे, वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद उस हिल के पास पहुंच जाते हैं। और जो कि चार्ल्स वेल्ट, क्योंकि वो तो जियोलॉजिस्ट थे, तो उस हिल पर पहुंचने के पास, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद, उन्होंने डिक्लेयर किया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर है, उसके बहुत सारे डिपॉजिट यहाँ पर है। ओके, और इसके बाद अब जो दोराबजी टाटा थे, जो स्टील प्लांट इंडिया के अंदर लगाना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि अब जो है हम ईजिली यहाँ पर स्टील प्लांट सेटअप कर पाएंगे। ओके, अब ये जो हिल थी जिनके अंदर ये आयरन ओर मिले, ये कौन सी थी, ये रजहारा हिल्स है। रजहारा हिल्स कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। इनके अंदर क्या मिला, आयरन ओर, और ऐसा आयरन ओर जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का था। ओके, वो रजहारा हिल्स के अंदर जो दोराबजी टाटा है और चार्ल्स वेल्ट है, इनको मिल जाता है। बट इसके बाद भी जो स्टील प्लांट है वो सेटअप नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है रिलेटेड टू वाटर। अब कोई भी जैसे इंडस्ट्री है, वो सेटअप करनी है तो उसके लिए वाटर तो चाहिए, लेकिन जहाँ पर ये रजहारा हिल थी, उसके आसपास कहीं भी वाटर अवेलेबल नहीं था। ओके, इसलिए क्या है, लेकिन अभी भी जो दोराबजी टाटा है, उन्होंने क्या है, अपने जो एफर्ट्स थे वो उन्होंने जारी रखे, और उन्होंने अब वाटर को सर्च करना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम बाद, ओके, उन्हें एक रिवर मिली, सुवर्ण रेखा। ओके, कौन सी है, सुवर्ण रेखा, इट इज़ द नेम ऑफ अ रिवर। इस रिवर के पास या इस रिवर के बैंक पर एक जो है कंपनी जो है सेटअप की, एक स्टील प्लांट लगाया गया, और जिसका नाम क्या था, टिस्को। ओके, और ये कब लगाया गया, ये 1907 में पॉसिबल हो पाया।
1907 में जो दोराबजी टाटा जो एक स्टील प्लांट लगाना चाहते थे ओके, उनकी ये विश जो है पूरी हो जाती है और उन्होंने एक स्टील प्लांट इंडिया के अंदर सेटअप कर दिया। अब क्या हुआ जो जैसे कि 1907 में सेटअप कर दिया गया, बट जो ये टिस्को है इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ, 1912 के अंदर। लेकिन क्या है इस टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटिश रूल चला हुआ था, तो ब्रिटेन से जो भी आयरन और स्टील इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाता था उसकी ज़्यादा डिमांड थी। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो आयरन और स्टील यहाँ पर जो बनाया जाता था ना उसकी डिमांड तो बहुत ही कम थी, बल्कि जो ब्रिटेन से यहाँ इंपोर्ट करते थे उसकी डिमांड थी ज़्यादा। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ये मानते थे कि इंडिया के अंदर जो पर्सन है वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो गुड क्वालिटी का आयरन और स्टील प्रोड्यूस कर सके, इसलिए ब्रिटेन से आए हुए आयरन और स्टील का ही वो यूज करते थे। फिर क्या होता है 1914 के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1914 के अंदर। इसका बहुत बड़ा फायदा टिस्को को मिला। कैसे? जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो भी ब्रिटेन से अपनी कंट्री इंडिया के अंदर जो भी आयरन और स्टील यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था ओके, जो भी इंपोर्ट किया जाता था वो हो गया बंद। क्योंकि क्या है, जो ब्रिटेन है ये कंट्री भी वर्ल्ड वॉर के अंदर इंगेज थी, तो वहाँ पर सोल्जर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए वहाँ पर जो भी आयरन और स्टील बन रहा था वो वहीं पर यूज़ किया जाना शुरू हो गया और इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट किया जाता था वो हो गया बंद। लेकिन क्या है यहाँ पर क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गए थे ओके, तो इस टाइम पे यहाँ इंडिया के अंदर जो रेलवे ट्रैक या हम यूँ कह सकते हैं जो रेलवे नेटवर्क है वो डेवलप किया जा रहा था ब्रिटिश के थ्रू, तो इसके लिए तो क्या है आयरन और स्टील चाहिए ओके, तो इसलिए क्या है जो टिस्को है उसने क्या किया, जो भी वो आयरन और स्टील प्रोड्यूस करते थे और साथ में जो टिस्को उसके अंदर क्या चीज़ें बनती, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर शेल्स और कैरिज व्हील बने इसके अंदर। कैरिज व्हील, शेल्स क्या होते हैं, जो बॉम्ब होता है ओके, जैसे बॉम्ब है इसका जो ये आउटर पार्ट होता है जो बाहरी पार्ट होता है इसको शेल बोलते हैं ओके, ये जो है टिस्को के अंदर तैयार किए जाते थे। और कैरिज व्हील क्या होते हैं, रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं कैरिज व्हील, वो जो है टिस्को के अंदर बनाए गए ओके, और इनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक को डेवलप किया जा रहा था और इसके लिए जो ब्रिटेन से जो भी स्टील और आयरन इम्पोर्ट किया जा रहा था वो हो गया था बंद ओके, तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टिस्को है इसको डेवलप होने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला ओके। अब जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ये खत्म हो गया था। लेकिन अगर हम 1919 की बात करें ओके, तब भी क्या है इस टिस्को के अंदर मान लो जितना भी प्रोडक्शन होता था जो 100% था उसमें से 90% तो यहाँ पर जो भी ब्रिटिश थे ओके वहीं खरीद लेते थे। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया बट उसके बाद भी जो टिस्को वो आगे डेवलप होती रही, उसमें जो भी चीज़ें बन रही थी उसकी डिमांड जो है बढ़ती ही रही ओके, तो इस वे में जो टिस्को है वो इंडिया के अंदर सेटअप की गई और उसने अपना जो काम है वो 1912 में स्टार्ट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।